हाय एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाम ऑयल प्लांटेशन का बगान से फिर एक नए वीडियो के साथ स्वागत है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बता दूं आज का वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट खास जानकारी देने वाला हूं कि मलेशिया में प्लांटेशन वर्कर जो है यहां पर आके कितना खर्चा होते हैं और कितना बच जाते हैं और बहुत सारे ऐसे जानकारी दूँगा तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस तो कर तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में प्लांटेशन वर्क करके कितना खर्चा हो जाते हैं और लोग जो है कितना घर तक भेज पाते हैं देखिए विदेश कंट्री तो हर कोई जाते हैं और बहुत सारे कंट्री जाते हैं इंडिया से नेपाल से बहुत सारे जगह से बहुत सारे जगह जाते हैं काम करने के लिए लेकिन देखिए बहुत सारे जगह में जो है आपको खाना पीना कंपनी की तरफ से देगा बहुत सारे जगह में आपको बहुत चीज़ जो है फूड फ्री देते हैं बहुत सारे चीज़ खाने का फ्री देते हैं लेकिन मलेशिया में एक भी आपको सामान खाने का पीने का कुछ भी फ्री आपको एक भी नहीं देगा और ना ही कुछ सुविधा देगा अगर आप पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आते हैं तो आपको खुद से खरीद के सब कुछ खाना पड़ेगा दोस्तों और जितना भी सामान आपका लगेगा सब कुछ आपको खुद का पैसे से भरना पड़ेगा यहाँ पर मलेशिया में अगर पानी भी पीते हैं तो खरीद के पीना पड़ेगा और देखिए यहाँ पर देखिए पानी का जहाँ पर आप नल आ, का सुविधा नहीं रहते हैं देखिए पाम ऑयल बगान में निन्यानवे परसेंट जो है बागान में पानी नहीं रहते हैं तो ख़रीद के पानी पीना पड़ता है और आप लोगों को बता दूँ खरीद के पानी पीना पड़ता है और जितने भी आपका खर्चा होते हैं आ, स्प्राइट हो रेडबुल हो जो भी आप यहाँ पर पीते हैं आपका खुद खर्चा करना पड़ेगा सिगरेट का और खाना तो आपको देगा ही नहीं आपको खुद से खाना बना के खाना पड़ेगा और जो है यहाँ पर खुद से आपको खाना का जो खर्चा लगेगा वो देना पड़ेगा तो चलिए आप लोगों को बता दूँ कि कितना खर्चा हो जाते हैं और आदमी जो है कितना घर भेज देते हैं खास करके प्लांटेशन वर्क का बात करूं कि अगर कितना यहाँ पर लोग बचा के फिर जो है घर भेज देते हैं और दोस्तों आप लोगों को बता दूं जिस तरह यहाँ पर काम करते हैं लोग वर्कर काम करते हैं उस तरह खर्चा भी करते हैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं एक लिमिट बांध के दे दूँ कि प्लांटेशन का वर्कर जो है तीन सौ रिंगित तक एक महीना का खर्चा चला देते हैं या तो 200 सौ रिंगित या तो 500 सौ रंगित देखिए यहाँ पर जिस तरह आप काम करते हैं और जिस तरह आपका खर्चा करने का आदत है और जो खर्चा करते हैं उसका तो उतना खर्चा होगा ही वो कोई नहीं टाल सकता है और मलेशिया में बहुत सारे जगह में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सामान का दाम जो है हाई रहते हैं बहुत ही ज़्यादा रेट रहते हैं बहुत सारे जगह में जो है कम रेट भी रहते हैं और बहुत सारे जगह में जो है दो तीन रंगित अगर महंगा पड़ते हैं तो बहुत सारा जो महंगा पड़ जाते हैं आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में अगर आपका अगर 1500 सौ रिंगित अगर बेसिक में देते हैं और बेसिक में आप काम करते हैं तो 1500 सौ रिंगित आपका सैलरी मिलेगा उसके बाद अगर आप 300-400 चार सौ रिंगित खा लेते हैं तो फिर आपका 1100 और जो है इसका खर्चा बचता है आपको 1100 सौ का जो है रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज अलग रहते हैं बहुत सारे ऐसे अगर खर्चा करते हैं दोस्तों अगर उसमें जोड़ते हैं तो आपका चार सौ रिंगित तो मिनिमम खर्चा होगा दोस्तों मिनिमम और अगर जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं बहुत सारे चीज़ जो पीते हैं कोई कोई देखिए यहाँ पर अगर आप सिगरेट भी पीते हैं तो भी 200 सौ रिंगित का 150 सौ रिंगित कैसे कोई सिगरेट भी पी लेता है तो बताइए अगर सिगरेट पीते हैं तो उसका भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा आप लोगों को बता दूं कि इस तरह जो है मलेसिया में खर्चा होता है और काम का अगर बात करूं कि काम कितना ये लोग कमाते हैं तो आप लोगों को बता दूं अगर बेसिक कामें बताया और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में फल कटिंग करते हैं बहुत सारे काम है अगर आप स्प्रे करते हैं बाजा का, का काम करते हैं खाद का काम करते हैं इससे तो ये लोगों का ज़्यादा इनकम रहता है स्प्रे जो करते हैं ये लोगों का चार हज़ार तक रिंगित आ जाते हैं दोस्तों तो लोग का छः सात सौ रिंगित अगर खर्चा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अगर फल कटिंग का बात करूँ तो यहाँ सत्ताईस सौ अट्ठाईस सौ इस तरह का रिंगित आते हैं पच्चीस सौ रिंगित आते हैं फल कटिंग करके ये लोग का भी पाँच सौ छः सौ रिंगित खर्चा हो जाता है और जो बाजा का काम करते हैं यानी खाद का काम करते हैं ये लोग का ये लोगों का भी जो है पाँच सौ तक खर्चा हो जाता है दोस्तों तो इस तरह से जो है मलेशिया का वर्कर का जो ये है कि यहाँ पर आके खुद से आपको खाना बना के खाना पड़ेगा ऊपर से बहुत सारा खर्चा होता है और यहाँ पर आके आप इतना रेंंगित जो है कमा सकते हैं मैंने जितना बताया आप लोगों को इस तरह कैटेगरी से आप कमा सकते हैं और इस तरह से जो है आप खर्चा कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो इससे और भी खर्चा होता है दोस्तों ऐसा नहीं और अगर आप कम भी खर्चा करना चाहते हैं तो इससे भी कम होगा तीन सौ रिंगित में भी आपका जो है खर्चा हो रहता है वो भी तीन सौ रिंगित में खर्चा हो जाएगा तो तीन सौ रिंगित तक में खर्चा हो जाएगा और आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन वर्कर को जो है बहुत सारे जगह दूर जाना पड़ता है जैसे जैसे बहुत सारे जगह में ऐसे मार्केट रहते हैं और मार्केट ले जाया जाता है गाड़ी में बहुत सारे जगह में जो है गाड़ी नहीं रहते हैं दोस्तों और ट्रैक्टर में जाना पड़ता है जैसे थोड़ा सा नज़दीक में दुकान उकान है तो बहुत सारा बहुत तो बड़ा मार्केट तो नहीं जा पाएगा लेकिन जिस कंपनी में बड़ा अगर मार्केट रहते हैं बगल में तो ये लोगों को गाड़ी में एक्स्ट्रा गाड़ी करके लेके जाता है और जहाँ जहाँ पर हाईलेक्स रहते हैं वहाँ पर फिर कंपनी का जो हाईलेक्स रहते हैं यहाँ का कंपनियों का गाड़ी से लेके जाते हैं बहुत सारे जगह में ट्रैक्टर में काम में लेके जाता है लेकिन हम लोगों का यहाँ पर जो है आपको हाईलेक्स देखने के लिए मिलेगा मेरा हर वीडियो में आप लोग अगर पहले मेरा वीडियो देखे होंगे तो प्लांटेशन का वर्कर में मैं जो हूँ यहाँ पर हाईलेक्स में काम में लेके जाता है हालाँकि मेरा बाइक है मैं इन्हें एक साल से बाइक ले चुका हूँ और मैं बाइक से ही खुद से काम में जाता हूँ दोस्तों मेरा बाइक है मैं बाइक लेके जाता हूँ और लोग जो लोगों का बाइक नहीं है वो लोग जो है गाड़ी में हाईलेक्स में जाते हैं दोस्तों और मेरा गाड़ी है मोटरसाइकिल है तो मुझे डेढ़ सौ रिंगित देते हैं महीने का यानी क्योंकि मान लीजिए एक दिन का जो है पाँच रिंगित देते हैं वो तेल का पेट्रोल का जो है पैसे देते हैं और यहाँ पर पेट्रोल आप लोगों को बता दूँ बहुत ही सस्ता है ढाई रिंगित में आपको एक लीटर पेट्रोल मिल जाएगा तो इंडिया के कम अगर इंडिया से ये करें तो बहुत ही सस्ता है दोस्तों क्योंकि इंडिया में कम से कम नहीं है तो 120 के आसपास है पेट्रोल और यहाँ पर जो है ढाई रिंगित में है तो आप सोच सकते हैं तो यहाँ का जो है थोड़ा जो है माहौल है बहुत ही अच्छा ये है पेट्रोल का दाम कम है दोस्तों तो गाड़ी चलाते हैं आराम से पूरा पहाड़ में इधर उधर जाते हैं हम लोग और जो है मार्केट भी कभी कभी चले जाते हैं तो तेल का काम दाम जो है तेल का दाम बहुत ही कम है दोस्तों इसीलिए हम लोग बहुत जगह घूमने भी जाते हैं ऐसा नहीं कि घूमने नहीं जाते हैं और काम करके जो है हम लोग कम से कम कभी कभी दस किलोमीटर भी जाना पड़ता है बगान के अंदर अंदर ये जो बगान देख रहे हैं ये बगान के अंदर अंदर जो रास्ते बने हुए हैं इधर भी देखिए कितना रास्ता है बहुत सारे ऐसे जो रास्ते हैं इस रास्ते के जरिए काम में जाते हैं कहीं कभी कभी पाँच किलोमीटर कभी कभी दस किलोमीटर इस तरह से दूर जाना पड़ता है दोस्तों काम में इसलिए जो है बाइक का पाँच रेंगित देता है और अगर हाई लेक्स में जाएंगे हाई लेक्स में कंपनियों का गाड़ी में तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो गाड़ी भी भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है बहुत ही ज़्यादा ये होता है ऐसे नहीं प्लांटेशन का बगान में काम में अगर जाते हैं गाड़ी ले तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी ख़राब होता है दो दिन बाद तीन दिन, दिन बाद इस तरह का जो गाड़ी ख़राब होते रहते हैं तो डेढ़ सौ रिंगित देता है तो चलो मायने जो हो जाते हैं कि कम से कम खर्चा तो निकल जाता है जितना गाड़ी में खर्चा करते हैं उतना तो निकल जाता है दोस्तों तो. और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि मलेशिया में कितना खर्चा हुआ किस तरह यहाँ पर वर्कर रहते हैं ये मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बता दिया हूँ दोस्तों और यहाँ पर किस तरह वर्कर रहते हैं पानी का कैसे दिक्कत रहते हैं बहुत सारे जगह में पानी का दिक्कत नहीं रहते होगा लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अगर 100 साइड में अगर आप जोड़ेंगे तो 90 साइड में ही पानी का दिक्कत रहते हैं और बिजली का दिक्कत रहते हैं यानी करेंट का जो बिजली का दिक्कत रहते हैं लाइट का बहुत सारे ऐसे चीज़ का जो है दिक्कत रहते हैं और बहुत सारे जगह में जो है बहुत ही अच्छा रहते हैं दोस्तों तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों इसी तरह नए नए और नई जानकारी पाने को और मेरा नए नए अपलोड जो करता हूं मैं वीडियो पाम ऑयल प्लांटेशन का काम का भी वीडियो बताता हूं और किस तरह यहां पर वर्कर रहते हैं इस तरह का बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं तो दोस्तों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि मलेशिया में मैं अभी हूँ और मलेशिया के बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा तो अगर आप लोग अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना दोस्तों तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत